स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रैगन पोटैटो। तो चलिए देख लेते हैं ड्रैगन पोटैटो में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैंने लिए हैं 5 या 6 आलू, जिन्हें मैंने धोकर लंबा लंबा काट लिया है और ये इस साइज में मैंने काटा है। 2 शिमला मिर्च लिए जिसे लंबा लंबा काट लिया है। थोड़े से हरे प्याज लिए थे जिसे हरा पार्ट मैंने अलग कर दिया है और व्हाइट पार्ट अलग कर दिया है। 1 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है और 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब लिया है जो पिज्ज़ा सीजनिंग या पिज्ज़ा टॉपिंग भी बोला जाता है। और ये मैंने लिया है टमाटो केचप। 1/2 छोटा चम्मच लिया है मैंने सोया सॉस। 1 चम्मच लिया है मैंने सेजवान चटनी। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ही लिया है नमक। 1 चम्मच मैंने लिया चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच लिया है मैंने ग्रीन चिली सॉस। अब हम आलू में नमक डालेंगे और मिर्ची पाउडर डालेंगे और पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने मिर्ची और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 5 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। आलू को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम आलू को मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, जब तक इन पे हल्का हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। आलू अभी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी इसे और फ्राई करना है। आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अब हमने सारे आलू फ्राई कर लिए है। अब हम आगे की रेसिपी फॉलो करते हैं। जिस कढ़ाई में हमने आलू फ्राई किया है उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें जो हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक कूट के रखा था उसे डाल लेंगे। 30 सेकंड के लिए इन्हें फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक पक चुके हैं। अब हमने जो हरे प्याज का पार्ट अलग किया था व्हाइट वाला, वो भी डाल लेंगे और शिमला मिर्ची भी डालेंगे और इन सबको हाफ कुक करने तक पकाएंगे। अभी शिमला मिर्ची हाफ कुक हो चुकी है। अब हम इसमें सारे सॉस डालेंगे। टमाटो केचप डालेंगे, सेजवान चटनी डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और ग्रीन चिली सॉस भी डाल देंगे। और जो पिज्जा सीजनिंग ली थी वो भी डाल देंगे और चिली फ्लेक्स। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 सेकंड के लिए इन्हें पकाएंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन हल्के हाथ से, आलू टूटे नहीं। अब हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हरे प्याज डालेंगे और इन्हें 30 सेकंड के लिए और पकाएंगे। लीजिए, अब हमारे ड्रैगन पोटैटो तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।